हाय फ्रेंड्स, हाय, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। हेलो, हाय फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। हाय हाय मयूर जी, हेलो, वेलकम है आपका अमूल के लाइव सेशन में। मैं शिवानी अग्रवाल नोएडा से, आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रीम रोल। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो रितु जी, मैंने अमूल का मिल्क लिया है, गैस मैंने ऑन कर दी है। अमूल का मिल्क लिया है, इसे ओपन करेंगे। वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? इसे मैं कढ़ाई में डालूंगी। हाफ पैकेट मैंने अमूल का दूध यूज किया है। हाय रूपल जी, एक उबाल आने के बाद इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे दूध गाढ़ा करने के लिए। हाय शिवाजी, हाय पूजा जी। क्रीम दूध बनाने के लिए मैंने दो ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। ये मैंने ब्राउन ब्रेड लिए है, आप वाइट ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। हाय हरिता जी, इसके मैं जब तक मेरा दूध में उबाल आएगा उस टाइम दूध का उबाल आएगा जब तक मैं इसके कॉर्नर्स कट कर देती हूँ। चारों तरफ से इसके कोने कट कर लेंगे। दूध में हमारा उबाल आने ही वाला है। हाय पूजा जी, हाय सरला जी। हाय ललिता जी, हाय रुचि जी, हमारे दूध में उबाल आ गया है। अब हम अमूल के मिल्क पाउडर के पाउचेस यूज करेंगे दूध को गाढ़ा करने के लिए। इसे हम थोड़ा कम करेंगे। मैं पहले चार पाउच डालूंगी अमूल के। एक पाउच और रह गया है मेरा, अभी एक पाउच और यूज करती हूँ अमूल का। आपको वॉइस क्लियर आ रही है ना? हेलो ममता जी, हेलो गीता जी, हेलो रंजन जी।
सूरज को चढ़ाते रहेंगे जिससे इसमें गांठ ना पड़े। मैंने दूध को गाढ़ा करने के लिए अमूल का दूध लिया था, इसमें 4 पैकेट मिल्क पाउडर डाला है अमूल का। मैं इसमें 2 पैकेट और यूज़ करूँगी, टोटल 6 पैकेट मैंने यूज़ किया है। हाय मैरी जी, हाय गीतेश्री जी, हाय अनीत जी, चलाते जाएं दूध को, इससे दूध में गांठें ना पड़े। हमारा दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। अगर किसी के घर में रिश्तेदार आए हो, हमें मिठाई खिलानी, डेजर्ट खिलाना हो, तो ये एकदम झटपट बनके तैयार हो जाएगी और बहुत इजी रेसिपी है। सो आपको कैसा लग रहा है? हाय नंदलाल जी, हाय साजन जी, हाय अभय जी, हाय नीला जी। इतनी देर में हम अपनी ब्रेड के मैंने चारों कोने कट कर रखे हैं। ये मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है, इसकी जगह हम व्हाइट ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। इसको मैं हल्के हाथ से बेल लूंगी। बहुत हल्के हाथ से मैंने इसे बेला है। दूध मेरा गाढ़ा होने वाला है। अब मैं इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड करूंगी। ये मैं हल्की सी चीनी ऐड कर रही हूँ दूध में। ये थोड़ा सा मैं अलग निकाल के ठंडा करती हूँ।
ये मेरा खोआ तैयार हो गया है बनके, इसे मैं थोड़ा ठंडा कर लूँगी। इतनी देर में आपको मैं रेसिपी रिपीट करती हूँ। मैंने आज क्रीमी रोल बनाए हैं, जिसके लिए मैंने ब्राउन ब्रेड स्लाइस लिए हैं। इसे मैंने बेलन की सहायता से थोड़ा बेल लिया है चारों तरफ से, और मैंने इसमें जो क्रीम रोल के लिए जो मुझे क्रीम बनानी थी उसमें मैंने अमूल का गोल्ड मिल्क यूज़ किया है। ये गोल्ड मिल्क का हाफ पैकेट यूज़ किया है। हाफ पैकेट मैंने कढ़ाई में डाला, उसमें मैंने उसको मैंने एक उबाल आने तक उबलने दिया। उसके बाद मैंने ये अमूल के पाउडर शैशे दिए थे। जो पाउडर शैशे हैं वो मैंने ये हाफ पैकेट मिल्क में मैंने 6 पाउचेज यूज किए हैं, उससे मैंने क्रीम बनाई है। ठीक है, अभी मैंने वो ठंडा करने के रखा है। अभी वो ठंडा हो रहा है, इतनी देर में आपको मैं बताऊंगी। ये रेसिपी बहुत जल्दी तैयार हो सकती है। अगर कभी भी आपके घर में गेस्ट आने वाले हों तो ये 15 मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे, ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। और आपका डेजर्ट भी बहुत अच्छा रहेगा इसे बना इसे, और जो मेहमान आएंगे वो तारीफ करके ही जाएंगे। आवाज़ क्लियर आ रही है आपको सभी को मेरी? प्लीज़ थम्स अप। इसमें मैं एलमंड डालूंगी कट करके। हाय सुधा जी, हाय उमा जी, हाय राम अवतार जी, हाय सोनिया जी, आपको कैसी लग रही है मेरी रेसिपी? प्लीज़ टेल मी। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप ये जो आपने दूध से खोया बनाया है इसे आप 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे तो और अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें मैंने जो दूध से बनाया था वो खोया डाला है, उसमें मैंने आलमंड डाले हैं, हल्की सी चीनी डाली थी खोया बनाते टाइम, फ्लावर्स पेटल डाले हैं, रोज पेटल्स, और इन्हें मैं मोल्ड इस तरीके से। ऐसे ही मैं दूसरा करूंगी तैयार। हाय नसीम जी, रेडी हो गए हैं रोल। अब क्रीम के लिए मैंने ये खोया लिया है, खोए को ऊपर से स्प्रेड करूंगी। कैसी लग रही है आपको रेसिपी? प्लीज थम्स अप। अगर किस इस तरीके से ये मेरे क्रीमी रोल बनके रेडी हो गए हैं, ये झटपट बन जाने वाले।